राजकुमारी पद्मिनी सिंगल के राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके लिए एक योग्य वर का चुनाव करने के लिए राजा गंधर्व ने एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें पद्मिनी की सुंदरता की कहानियां सुनके कई राजाओं ने भाग लिया। उन सभी राजाओं में चित्तौड़ के राजा रवल रतन सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने बाकी सभी राजाओं को पराजित करके स्वयंवर को जीत लिया और राजकुमारी पद्मिनी ने भी उन्हें अपने पति के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी एक लालची और निर्दयी सुल्तान था, और जब उसके कानों में पद्मिनी की सुंदरता की तारीफें पड़ी, वो उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा और उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों तक घेरे रखा। सुल्तान की सेना चित्तौड़ की सेना से गिनती, युद्ध कौशल और हथियारबंदी हर चीज में कई गुना आगे थी, लेकिन चित्तौड़ के किले की रचना इतनी कुशलता से की गई थी कि गिनती में कम होने के बावजूद चित्तौड़ के वीर सैनिकों को सुल्तान की सेना हरा नहीं पाई और किले के 7 दरवाजों में से एक भी दरवाजा नहीं तोड़ पाई। अब ऐसे में सुल्तान ने छल से काम लेने की सोची। उसने राजा रतन सिंह को यह संदेशा भिजवाया कि हमने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, आप बस हमें एक बार उनकी एक झलक देखने दीजिए और हम किले से हट जाएंगे। राजा रानी पहले तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि किसी भी पर पुरुष के सामने एक विवाहित स्त्री का प्रत्यक्ष होना राजपूत मर्यादा के विरुद्ध था। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए वो चित्तौड़ के वीर सैनिकों का खून भी नहीं बहाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि सुल्तान रानी को आईने में देख सकते हैं, जिससे कि राजपूत आन भी रह जाए और दिल्ली के सुल्तान की बात भी। उसके बाद सुल्तान को रानी पद्मिनी के महल में ले जाया गया। रानी पद्मिनी सरोवर के बीच बने अपने महल की सीढ़ियों पर आई और सुल्तान को उनके महल की दीवार पर लगे दर्पण पर उनका प्रतिबिंब दिखाया गया। इतनी दूर से भी रानी का रूप देखकर सुल्तान अलाउद्दीन के नापाक इरादे और भी मजबूत हो गए। उन्होंने राजा रतन सिंह का शुक्रिया किया और उनसे विदा लेने लगे। राजा को बातों में लगाकर सुल्तान उनसे किले के 7 द्वार पार करवा लाए, और जैसे ही वे आखिरी द्वार पर पहुंचे, जाल बिछाए तैयार सुल्तान के सैनिकों ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें दुर्ग के बाहर एक शिविर में कैद कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए एक संदेश भेजकर ये शर्त रखी कि अगर वो उन्हें खुद को सौंप देती हैं तो वो रतन सिंह को आज़ाद कर देगा। अपने पति को छुड़ाने के लिए रानी पद्मिनी ने ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन ये शर्त रखी कि उनके साथ उनकी 700 दासियां भी उनकी देखभाल करने के लिए आएंगी, और इसके अलावा वे अपने पति से एक अंतिम बार एकांत में मिलना चाहती हैं। सुल्तान को इस शर्त से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रानी की दासियों के वेश में चित्तौड़ के छठे हुए सैनिक 700 पालकियों में स्त्री के वेश में बैठे थे और हर पालकी को उठाने का काम भी वीर सैनिक ही कर रहे थे। कड़े पहरे के बीच रानी की पालकी को सीधा उस शिविर में उतारा गया जहां पर रतन सिंह को कैद कर रखा था, लेकिन उस पालकी में भी पद्मिनी नहीं बल्कि उनका 12 साल का भतीजा बादल था, जिसने आते ही रतन सिंह को आजाद किया और उसके एक इशारे पर सभी सैनिक पालकियों से उतरकर अचानक ही सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। इस बात से अनजान सुल्तान की भारी सेना को भी संभलने में वक्त लगा और राजा रतन सिंह को सुरक्षित किले में वापस पहुंचा देने के लिए इतना समय ही काफी था। उस दिन के बाद कई दिनों तक सुल्तान और चित्तौड़ के सैनिकों में युद्ध चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चित्तौड़ के वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होने लगे और चित्तौड़ का किला कमजोर पड़ने लगा। जब रानी को ये प्रत्यक्ष दिखने लगा कि चित्तौड़ की हार निश्चित है, उन्होंने सुल्तान के हाथ पड़ने की बजाय आग में जल जाना बेहतर समझा। किले की सभी महिलाओं ने भी उनके इस निर्णय का समर्थन किया। राजपूतों में इस प्रथा को जौहर का नाम दिया जाता था।
एक तरफ जहां सुल्तान किले के द्वार पे द्वार भेद रहे थे, तो वहीं इस तरफ किले के अंदर एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मिनी के साथ 16,000 राजपूत महिलाओं ने अपने संबंधियों से अंतिम विदा ली और उस जलती चिता में आहुति की तरह समा गई। और थोड़ी ही देर में वो सौंदर्य जिसके ऊपर पूरे साम्राज्य को गर्व था, आग की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया। महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में 30,000 राजपूत सैनिक केसरिया बाना बांधकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुल्तान की सेना पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खून से रंगारंग सुल्तान ने जब किले में प्रवेश किया तो भीतर उसे कोई भी नहीं मिला। रानी पद्मिनी के जौहर की जीत हुई और ये जौहर इस बात का प्रतीक था कि भारत की स्त्रियों के लिए उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान सर्वोपरि है।